वेलकम एवरीवन। अभी लास्ट सेशन में जो वीडियोस हमने देखी है, इसमें हमने बैकग्राउंड पैराग्राफ के लिए किस तरीके से एरिया का सिलेक्शन और बुलेट्स नंबरिंग में भी कितने स्टाइल हैं, नेस्टेड बुलेट्स कैसे यूज़ करना है, ये सब कॉन्सेप्ट हमने कवर किए। अब जो पार्ट हम कवर करने जा रहे हैं वो पार्ट है हमारा पेज फॉर्मेटिंग का। एक्चुअल में हमने पहले भी डिस्क्राइब किया कि तीन तरीके की फॉर्मेटिंग हम स्टडी कर रहे हैं, जिसमें पहली फॉर्मेटिंग हमारी कैरेक्टर है, सेकंड हमारी पैराग्राफ है और थर्ड फॉर्मेटिंग हमारी पेज फॉर्मेटिंग है। सो वर्ड डॉक्यूमेंट या राइटर डॉक्यूमेंट में पेज के साथ में जो फॉर्मेटिंग हम करेंगे उसमें कुछ टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स को एक बार हम देख लेते हैं। पेज फॉर्मेटिंग में ए बी सी डी ई एफ जी, ये हमारे 7 पॉइंट्स हैं जिनको हम कवर करेंगे। सेटिंग अप बेसिक पेज लेआउट यूजिंग स्टाइल्स, किस तरीके से हम पेज का लेआउट सेट करेंगे। इंसर्टिंग अ पेज ब्रेक, कैसे पेज ब्रेक का यूज़ होना है। क्रिएटिंग हेडर फुटर एंड पेज नंबर्स, डिफाइनिंग बॉर्डर्स एंड बैकग्राउंड्स, इंसर्टिंग इमेजेस, शेप्स, स्पेशल कैरेक्टर्स इन अ डॉक्यूमेंट, डिवाइडिंग द डॉक्यूमेंट पेज इनटू कॉलम्स, फॉर्मेटिंग द शेप और इमेज। तो पहला है हमारा सेटिंग अ बेसिक पेज लेआउट यूजिंग स्टाइल। हम पेज के लेआउट की अगर बात कर रहे हैं तो पेज स्टाइल्स डिफाइन्स द बेसिक लेआउट ऑफ ऑल पेजेस इन द डॉक्यूमेंट। इट इंक्लूड्स पेज साइज, मार्जिन, हेडर एंड फुटर। फॉर्मेट में पेज ऑप्शन है, यानी कि अगर हम फॉर्मेट मेन्यू पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम एक फॉर्मेटिंग पर जाते हैं तो कैरेक्टर, पैराग्राफ और उसके बुलेट्स नंबरिंग के नीचे यहाँ पर ये पेज फॉर्मेटिंग ऑप्शन है। और अभी हमने यहाँ पेज फॉर्मेटिंग पर जैसे ही क्लिक किया तो एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा हमारे लिए, जो पेज से रिलेटेड जितनी भी फॉर्मेटिंग का पार्ट है वो हमारा इसमें कवर होगा। अभी आप देखिए यहाँ पेज सिलेक्शन किया तो जैसे ही हम पेज की फॉर्मेटिंग की बात कर रहे हैं तो फॉर्मेट क्या है, यहाँ पर पहले पेज का साइज आ गया। फॉर्मेट में हमें साइज जनरली जो हम फोटो कॉपी करते हैं या प्रिंटिंग लेते हैं A4 साइज की, तो हमें यहाँ पे पेपर का साइज सेट करना है, तो फॉर्मेट में हमने A4 किया। A4 साइज की विड्थ हमने सेट की या हाइट सेट हो गई। पेज का ओरिएंटेशन हम पहले पढ़ चुके हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप किसी भी दो ओरिएंटेशन में आप सेट कर सकते हैं, हमने पोर्ट्रेट रखते हैं बाय डिफॉल्ट। पेपर की ट्रे अपने आप सिलेक्शन पर है। पेज का जो लेआउट है वो राइट एंड लेफ्ट पोर्शन पर है। अगर हमें यहाँ पेज नंबर इंक्लूडेड करने हैं तो आप कर सकते हैं, या कोई और फॉर्म देनी है तो वो आप सेट कर सकते हैं। पेज के चारों मार्जिन की डिटेल्स आप यहाँ सेट कर सकते हैं कि लेफ्ट से पेज का कितना हिस्सा छोड़ना है, तो 0.79 इंचेस राइट में, टॉप में और बॉटम में। अभी ये चारों इक्वल हैं, आप चाहें तो इस स्पेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये बेसिकली पेज स्टाइल है जिसकी हेल्प से हम अपने पेज की ये फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इंसर्टिंग अ पेज ब्रेक। अब पेज ब्रेक इंसर्शन की अगर बात हो रही है तो उसको हमें समझना पड़ेगा। अब ये पेज ब्रेक होता क्या है। इन मल्टी पेज डॉक्यूमेंट्स द टेक्स्ट फ्लो फ्रॉम वन पेज टू द नेक्स्ट एज यू एड इन्फॉर्मेशन। इन सर्टेन केसेस वी मे रिक्वायर टू ब्रेक द करंट पेज एंड मूव द नेक्स्ट हेडिंग और नेक्स्ट चैप्टर टू द न्यू पेज ऑन द सेम डॉक्यूमेंट। इन सच केसेस वी हैव टू ब्रेक द पेज फोर्सफुली एंड टेक द कर्सर टू द नेक्स्ट पेज टू इंसर्ट द न्यू हेडिंग। दिस इज कॉल्ड एज अ पेज ब्रेक। तो अभी हम डेफिनेशन को इस तरीके से समझते हैं कि अगर आप राइटर पर यहाँ पर कुछ टाइप करते चलें और आप कॉन्टिन्यूसली टाइप कर रहे हैं, तो जैसे ही ये पेज की एंडिंग होगी और इस पेज की एंडिंग के बाद में ये कंटेंट जो है वो अगले पेज पर अपने आप ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा। बट अगर आप चाहते हैं कि ऐसा केस हो कि मान लीजिए मैं सी के बाद जो डी है, डी ई एफ जी, ये जो पॉइंट्स हैं ये अगले पेज पर आए, तो ऐसे में हमें पेज ब्रेक ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी। यानी या तो हम ये कि यहाँ पर एंटर प्रेस करते रहें और बहुत देर तक एंटर करें और जब तक वो पेज के लास्ट हिस्से तक जाएगा तब जाकर अगले पेज पर लेकर जाएगा, तो उससे एक अच्छा तरीका ये है कि हम पेज ब्रेक ऑप्शन यूज करें। पेज ब्रेक ऑप्शन यूज करने के लिए इंसर्ट टैब में पेज ब्रेक ऑप्शन है, या हमारे कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस रिटर्न की हम प्रेस कर सकते हैं। इंसर्ट में मैनुअल ब्रेक पर भी हम जा सकते हैं। अभी हम इंसर्ट टैब पर क्लिक करते हैं, ये रहा हमारा पेज ब्रेक ऑप्शन, कंट्रोल एंटर। जैसे ही आपने पेज ब्रेक पे क्लिक किया तो आप देखेंगे ये पेज दो हिस्सों में डिवाइड हो गया है। सी पार्ट तक पेज नंबर वन पर कॉन्टेंट है और डी ई एफ जी पेज नंबर टू पर कंटेंट है। तो इंसर्ट पे ये पेज ब्रेक ऑप्शन हमने चूज किया था। ऐसे इसमें मोर ब्रेक है, इंसर्ट मैनुअल ब्रेक,
और मैनुअल ब्रेक को अगर हम तो आप सेट करते हैं तो यहाँ पर ये पूरा पेज ब्रेक का एक डायलॉग बॉक्स आ गया है कि आप पेज ब्रेक किस तरीके से करना चाहते हैं, लाइन ब्रेक करना चाहते हैं, कॉलम ब्रेक करना चाहते हैं, तो आप कोई भी ब्रेक यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो जनरली हमें जो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं ऑप्शन वो पेज ब्रेक ऑप्शन है। आपने सिंपल पेज ब्रेक करना है, ओके करना है, कोई स्टाइल अभी हम नहीं ले रहे हैं क्योंकि इसका प्रैक्टिकल यूज़ बहुत कम है। तो ये था हमारा इंसर्ट पेज ब्रेक ऑप्शन। क्रिएटिंग हेडर फुटर एंड पेज नंबर्स। हेडर फुटर को समझने के लिए हमारे पेज के टॉप मार्जिन पर हमारा जो ये पेज है, मैं इसको भी थोड़ा जूम छोटा कर लेता हूँ, हमारे पेज के टॉप मार्जिन पर जो हिस्सा नजर आता है वो हमारा हेडर होता है और बॉटम मार्जिन पर जो हिस्सा नजर आता है वो फुटर होता है। मान लीजिए आप ये दो पेज है हमारे पास, अभी हम इसमें हेडर फुटर इंसर्ट करेंगे तो जैसे आप टॉप मार्जिन पर क्लिक करेंगे तो बाय डिफॉल्ट ये हेडर की ट्रे आ भी गई है, लेकिन अगर आप सिंपली इंसर्ट भी करना चाहते हैं तो आप इंसर्ट टैब पर जाइए और इंसर्ट टैब में हमें सबसे लास्ट में ये ऑप्शन मिलेगा हेडर एंड फुटर। अभी हमें हेडर ऐड करना है या फुटर ऐड करना है वो हमारे ऊपर है, तो अभी हम हेडर पे क्लिक करते हैं। तो अभी हम हेडर वाले पोर्शन पर हैं। अब यहां पर अगर मैं कुछ लिखता हूं, दिस इज माई हेडर एरिया, ओके किया, थोड़ा जूम बढ़ाते हैं। अब ये दिस इज माई हेडर एरिया, ये हेडर पर आ गया है, यानी अगर आप अगले पेज पर भी देखेंगे तो अगले पेज पर भी ये दिस इज माई हेडर एरिया लिखा हुआ आ रहा है। इट मीन्स मेरे टॉप मार्जिन पर मैं कुछ लिखता हूं और वो हर पेज पर रिफ्लेक्ट होता है तो वो हेडर है। ऐसे ही फुटर है, अगर आप नीचे बैक साइड पर बिल्कुल नीचे की तरफ कुछ लिखना चाहते हैं पेज के बिल्कुल बॉटम मार्जिन पर, तो वो आपका फुटर एरिया कहलाएगा। उसके लिए भी आपको इंसर्ट हेडर फुटर, फुटर ऑप्शन, और ये फुटर आप खुल गया, यहां पर आप टाइप कर सकते हैं दिस इज माई फुटर एरिया, आपने बीच पे क्लिक कर दीजिए कहीं भी। तो अब आप देखेंगे कि पहला पेज जिसके टॉप पर लिखा है दिस इज माई हेडर एरिया और जिसके बॉटम पर लिखा है दिस इज माई फुटर एरिया, सेम कंटेंट अगले पेज पर भी दिस इज माई हेडर एरिया, दिस इज माई फुटर एरिया, जितने भी पेजेस आप इसमें ऐड करते जाएंगे उतना ही ये कंटेंट आपको नजर आता जाएगा हर पेज के टॉप और बॉटम मार्जिन पर। टॉप मार्जिन पर है तो आप उसे हेडर कॉल करेंगे, बॉटम मार्जिन पर है तो आप उसे फुटर कॉल करेंगे। फुटर के अंदर हम पेज नंबर भी इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने यहां पर स्पेस दिया, इंसर्ट पे क्लिक किया और सिंपल आप इंसर्ट टैब में पेज नंबर ऑप्शन है यहां पर क्लिक करते हैं, देखिए पेज नंबर ऐड हो गया और अब आप देखेंगे यहां पेज वन लिखा है, यहां पेज टू लिखा है, और आप अगर एंटर करके कोई नया पेज ऐड करते हैं तो वहां पर ऑटोमेटिकली ये पेज थ्री लिखा है। तो इस तरीके से आप पेज नंबर को भी ऐड कर सकते हैं। और भी आपको फील्ड ऐड करनी है, पेज नंबर है, पेज की काउंटिंग है, डेट है, टाइम है, टाइटल है, फर्स्ट ऑथर है, सब्जेक्ट है, या कुछ और फील्ड्स भी, तो आप यहां से ऐड कर सकते हैं। सो बेसिकली दिस इज कॉल्ड इंसर्ट हेडर फुटर एंड पेज नंबर ऑप्शन। डी ऑप्शन है डिफाइनिंग बॉर्डर एंड बैकग्राउंड्स। तो अगर हमें पेज का बॉर्डर या बैकग्राउंड सेट करना है तो सिंपली हम पेज के स्टाइल पर जाएंगे, उसके लिए हमारे पास में वही ऑप्शन है, फॉर्मेट पे हमने क्लिक किया, पेज पे क्लिक किया, तो ये पूरा एक हमारा पेज का स्टाइल डायलॉग बॉक्स खुल गया। यहां पर पेज टैब के बाद में एरिया, ट्रांसपेरेंसी, हेडर फुटर, बॉर्डर, हमने बॉर्डर पर सिलेक्शन किया। अभी जो ये बॉर्डर अप्लाई हो रहा है ये एक पेज की बात हो रही है, अभी आपको चारों पोर्शन पर रखना है तो आपने यहाँ से ये प्रीसेट्स के अंदर से सेट ऑल फोर बॉर्डर ऑप्शन चूज किया। बॉर्डर का क्या स्टाइल रखना है आपने स्टाइल लिया, विड्थ आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, बॉर्डर का आप कलर चेंज कर सकते हैं, कितना मार्जिन पैडिंग रखनी है, गैप रखना है वो रख सकते हैं। जैसे ही आप ओके करते हैं तो आप देखेंगे आपके पेज के चारों ओर एक बॉर्डर अप्लाई हो चुका है। ऐसे ही हम फॉर्मेट में दोबारा पेज पर क्लिक करते हैं तो ये हमारा पेज का बॉर्डर है, ये पेज का एरिया है, जैसे हमने पैराग्राफ में एरिया में कलर ग्रेडियंट अप्लाई किया था तो वैसे ही आप पूरे पेज पर भी कोई कंटेंट अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हम ओके करते हैं तो देखिए पेज के पीछे का कलर चेंज हो गया है। ऐसे ही आप इस जो पेज का एरिया है उस पेज के एरिया का आप कलर ग्रेडियंट मिक्सचर ऑफ टू कलर्स बिट मैप कोई इमेज पैटर्न ये सब चीज़ें आप जनरली इसमें ऐड कर सकते हैं और आप अपने बैकग्राउंड को सेट कर सकते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पर एक बैकग्राउंड ले लेते हैं और बैकग्राउंड सिलेक्शन करने के बाद हमने सिंपल ओके बटन पर क्लिक करना है,
वही बैकग्राउंड और पैटर्न हमारे पेज के बैकग्राउंड पर आ जाएगा। तो ये एक्चुअल में पेज का बैकग्राउंड और पेज का बॉर्डर, जिसके लिए हमने फॉर्मेट मेन्यू में पेज स्टाइल, जिसमें आपने एरिया, एरिया में आप कलर या पैटर्न या आप कोई ग्रेडियंट या कोई आप बिटमैप पैटर्न यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको उसका बॉर्डर पर काम करना है तो बॉर्डर टैब पर क्लिक किया, आपने प्रीसेट्स के अंदर सेट ऑल फॉर बॉर्डर ऑप्शन लिया, स्टाइल सेट किया, विड्थ सेट किया, कलर सेट किया, तो यहाँ से आप बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ई पार्ट, इंसर्टिंग इमेजिंग शेप्स स्पेशल कैरेक्टर इन अ डॉक्यूमेंट। तो अगर आपको इमेज या शेप या कोई स्पेशल कैरेक्टर इंसर्ट करना है तो उसके लिए हम सीधे सीधे, अभी मैं यहाँ से एक बार बॉर्डर हम हटा देते हैं, पेज एरिया नन कर देते हैं, ओके, पेज हमारा क्लियर हो गया है। अब हमें यहाँ पर कोई इमेज इंसर्ट करनी है, तो इंसर्ट पर आपने क्लिक किया, इमेज ऑप्शन है, आप जैसे ही इमेज पर क्लिक करेंगे आपके वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए एक इमेज डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, वहाँ से आप कोई भी इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं, और जैसे ही आप इमेज सेलेक्ट करेंगे वो इमेज आपके राइटर डॉक्यूमेंट पर आ जाएगी। साइज छोटा या बड़ा हो सकता है, अभी ये इमेज आपको प्रॉपर नज़र नहीं आ रही है, हम यहाँ से कोई दूसरी इमेज ले लेते हैं। बेसिकली तो हमें स्टेप याद रखना है कि इंसर्ट टैब में इमेज ऑप्शन है, जहाँ से हम किसी भी इमेज का इंसर्शन कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ से कोई और पिक्चर ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने ये एक इमेज इंसर्ट किया, तो अभी ये जो इमेज है ये हमारी वर्ड डॉक्यूमेंट राइटर डॉक्यूमेंट पे आ गई है। आप इस इमेज को कॉर्नर से, कॉर्नर पर आपको जो ये पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं एक्चुअल में हम इन्हें नज पॉइंट्स कहते हैं, इन नज पॉइंट्स की हेल्प से आप इमेज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं या आप इस इमेज को प्रॉपरली सेट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारी इमेज हमने ऐड कर ली है। अब इमेज ऐड हमारी हो चुकी है, आप कोई इमेज के साथ में शेप या स्पेशल कैरेक्टर इंटर करना चाहते हैं तो वापस इंसर्ट, मीडिया ऑप्शन भी हमारे पास है, गैलरी जो हमारी गैलरी है वहाँ से ले सकते हैं, स्कैन ऑडियो या वीडियो भी आप ऐड कर सकते हैं। सो शेप आप ऐड कर सकते हैं, जैसे आप लाइन ऐड करना चाहते हैं, कुछ बेसिक शेप्स हैं आपके पास में, इक्लिप्स है, स्क्वायर है, मान लीजिए मैं एक स्क्वायर ऐड करना चाहता हूँ, तो आपने एक स्क्वायर ड्रॉ कर दिया, तो ये स्क्वायर आपका आपके राइटर डॉक्यूमेंट पर ड्रॉ हो चुका है, और आप उसका कलर वगैरह यहाँ से चेंज कर सकते हैं। एक फॉर्मेटिंग टूल बार साथ के साथ बन जाती है जब आप कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं या क्लिक ऐड करते हैं, जैसे आपने ये पिक्चर ऐड की तो ये पिक्चर की फॉर्मेटिंग टूल बार हमारे पास में अपीयर हो गई है। यहाँ पर ये हमारी रैपिंग ऑप्शन है जिसमें आप इमेज को रैप कर सकते हैं, रैप में भी कई ऑप्शन है, रैप ऑफ है, पेज रैप है, ऑप्टिमल पेज रैप है, रैप लेफ्ट है, रैप राइट है, या रैप थ्रो है। ऐसे ही आप इमेज का अलाइनमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल बीचों बीच आपको इमेज रखनी है या आप चाहते हैं इमेज बिल्कुल राइट पोर्शन पर चली जाए। ऐसे ही ब्रिंग टू फ्रंट, फॉरवर्ड वन, बैक वन, सेंड टू बैक, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट जो स्क्वायर है ये ऊपर आ रहा है, अभी आप चाहते हैं इमेज ऊपर आए ये स्क्वायर पीछे चला जाए, ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे तो ये इमेज ऊपर आ जाएगी और आपकी शेप पीछे चली जाएगी। इसी तरीके से आप बैकग्राउंड का कोई कलर चेंज करना चाहते हैं, बॉर्डर का कोई कलर आप सेट करना चाहते हैं, या इमेज के चारों ओर आपको कोई बॉर्डर लगाना है, तो ये बॉर्डर आ गया, उस बॉर्डर का कोई कलर आपको चेंज करना है देन आप कलर चेंज कर सकते हैं। तो ये कुछ फीचर्स हमारे पास में हैं जब आप एक इमेज या शेप को इंसर्ट करते हैं तो ये एक फॉर्मेटिंग टूल बार हमारे पास में अपियर हो जाती है जिसकी हेल्प से आप इस पर काम कर पाते हैं। स्पेशल सिंबल आपको इंसर्ट करने हैं तो इंसर्ट में स्पेशल कैरेक्टर ऑप्शन है, हम इंसर्ट पर चलते हैं, इंसर्ट टैब पे अभी हम राइटर डॉक्यूमेंट पर सिंपल क्लिक किया है हमने, इंसर्ट के अंदर ये स्पेशल कैरेक्टर हैं, आप कोई भी एक स्पेशल कैरेक्टर, एट द रेट का साइन है, डॉलर सिंबल है, हैश सिंबल है, या और भी आपके कुछ स्पेसिफिक सिंबल्स हैं वो आप ऐड ऑन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। वैसे ही आगे शेप्स हो गया, तो अभी हमने इमेजेस शेप्स वगैरह सीखा कि हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, कैसे उन्हें छोटा बड़ा कर सकते हैं, और आप इमेज के साथ में कैसे फॉर्मेटिंग पर काम कर पाते हैं, ये कलर चेंज करना, इमेज का साइज छोटा करना, ये सब इमेज की या किसी भी शेप की फॉर्मेटिंग का पार्ट है। आप किसी भी इमेज का सिलेक्शन कर लीजिए या इमेज और शेप दोनों का सिलेक्शन कर लीजिए तो आप सिंपल यहाँ से दोनों पर काम कर सकते हैं। डिवाइडिंग द डॉक्यूमेंट पेज इंटू कॉलम्स, कई बार आपने न्यूज़पेपर में कॉलम्स की कटिंग देखी होगी, या आप देखते हैं कि पेज काफ़ी चौड़ा होता है और उस पर कॉलम्स में कंटेंट लिखा हुआ होता है, तो अभी हम यहाँ पर भी कुछ ऐसा करने वाले हैं कि हम कुछ टाइप करेंगे और हम चाहेंगे कि वो हमारे कॉलम में डिवाइड हो जाए, तो अभी यहाँ पर हम कुछ भी टाइप कर लेते हैं। इस पूरे मटेरियल को हमने यहाँ से कॉपी किया देन फिर हम यहाँ से पेस्ट कर लेते हैं। अभी हम चाहते हैं कि ये जो हिस्सा है ये सारा लिखा हुआ कंटेंट कुछ कॉलम्स में डिवाइड हो जाए,
तो कॉलम्स में डिवाइड करने के लिए हमारे पास में सिंपल ऑप्शन है, फॉर्मेट के अंदर कॉलम ऑप्शन है। फॉर्मेट टैब पर क्लिक करते हैं। फॉर्मेट टैब में अगर आप फॉर्मेट मेन्यू को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर कॉलम्स ऑप्शन है। कॉलम्स पे हमने क्लिक किया, बाय डिफॉल्ट अभी वन कॉलम है, हम चाहते हैं टू कॉलम्स। ओके, आप देखिए आपका जो डॉक्यूमेंट है वो पेज के ही दो हिस्सों में डिवाइड हो चुका है। तो ये एक्चुअल में कॉलम ऑप्शन है, आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। तो बेसिकली इसकी ज़रूरत बहुत कम यूज़ में आती है, लेकिन ये ऑप्शन हमें बुक में हमारे कंटेंट है तो हमें इसको पढ़ना है, तो यहाँ से हम कॉलम डिवाइड कर सकते हैं किसी भी पेज के कंटेंट। फॉर्मेटिंग द शेप और इमेज, जो अभी मैं आपको बता रहा था कि इमेज का कलर चेंज करना है या इमेज को आपको थोड़ा छोटा बड़ा करना है, तो एक फॉर्मेटिंग टूल बार आ जाती है। आगे वाले कॉन्सेप्ट में हम पढ़ेंगे कि कैसे हम टेबल को क्रिएट और उसको मैनेज करेंगे। आई होप आपको इतना कॉन्टेंट समझ में आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो हमें डिस्क्रिप्शन में जरूर लिखिए, ताकि हम उसको आपको सॉल्यूशन दे सकें। Thank you.